हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आपके लिए पांच ऐसे एसी लेके आए हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं इस गर्मी में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से वो एसी हैं जो आप बाय कर सकते हैं 30,000 के रेंज तक का। साथ ही एक गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो आप जो है उसको भी ज़रूर से देखिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो पहला एसी है वो वोल्टास का D10 का थ्री स्टार विंडो एसी है। ये आपको सिर्फ 24,500 में मिल जाएगा। इसके मैं कुछ फीचर की बात करूँ तो इसमें जो कैपेसिटी है आपको वो D10 की मिलती है। यह एक मीडियम साइज़ रूम के लिए सुटेबल है, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा अगर आपका एक रूम जो है मीडियम साइज़ का है। साथ ही एनर्जी कंजम्पशन की बात करूँ तो इसमें आपको जो है पूरे साल का सिर्फ 1300 यूनिट जो है देना पड़ेगा और साथ ही जो एनर्जी रेटिंग है वो आपको 3 स्टार मिलती है। तो आप जो है इसको भी ज़रूर से बाय कर लीजिएगा अगर आपका बजट 25,000 रुपये है तो। मैं नीचे इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगले एसी की बात करूं तो वर्लपूल का है, 1 टन का एसी है। ये आपको जो है 26,000 का मिलेगा। इसमें आपको जो है सिर्फ 1 टन की कैपेसिटी मिलती है, साथ ही जो एनर्जी रेटिंग है वो भी सिर्फ 3 स्टार है। और इसमें जो है आपको कूलिंग काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी अच्छी कूलिंग इसमें आपको जो है प्रोवाइड की जाती है। तो आप जो है इसको भी देख सकते हैं, ये काफ़ी जल्दी जो है आपको कूलिंग दे देगा किसी रूम को ठंडा करने के लिए। तो आप जो है इसको भी बाय कर सकते हैं। पावर कंजम्पशन इसका कम है तो आप जो है इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही जो है ये रिमोट कंट्रोल पे वर्क करता है, तो आप जो है बैठे बैठे भी इसको जो है आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्लिट एसी है तो आपको जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। साथ ही जो अगला है वो वोल्टास का D10 का एसी है 3 स्टार। ये आपको जो है 30,000 का मिलता है, तो ये काफ़ी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है बट फिर भी जो है काफ़ी अच्छा है। D10 आपको जो है इसमें कैपेसिटी मिलती है, स्प्लिट एसी है, नॉइस भी आपको जो है काफ़ी कम मिलेगी और कूलिंग भी जो है आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। ये भी एक जो है मीडियम साइज़ रूम के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, तो आप जो इसको भी ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। इसका भी लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही जो है देखिए तो आप इधर बेस्ट कूलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। LED इसमें डिस्प्ले मिलती है आपको, स्लिप मोड का भी इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, ऑटो रिस्टार्ट वगैरह जैसे काफ़ी फीचर हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जो है बनाई गई है, तो आप जो है इसको भी ज़रूर से देख सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। अगला जो एसी है वो वोल्टास का ही है, D10 का 5 स्टार विंडो एसी। ये आपको विंडो एसी मिलता है लेकिन इसमें जो है आपको 5 स्टार मिलता है जो कि काफ़ी आपकी एनर्जी जो है सेव कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है काफ़ी कम आ सकता है। इसमें आपको जो है 1.5 टन की कैपेसिटी मिलती है, साथ ही 5 स्टार की आपको एनर्जी रेटिंग मिलती है। एनर्जी कंजम्पशन की बात करूँ तो इसमें आपको सिर्फ 1150 का यूनिट कंजम्पशन मिलेगा पूरे साल का, तो काफ़ी ये अच्छा है, एक लो पावर एसी है। तो आप जो है इसको भी ज़रूर से देख सकते हैं। ये इसमें आपको जो है डस्ट फिल्टर मिलता है, तो आप जो है ये एसी भी परचेस कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको जो है डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी दी है, LED डिस्प्ले आपको दी गई है, तो आप जो है इसको भी ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। अगला जो एसी है वो अमेज़ोन का है, D10 का 5 स्टार एसी। ये भी जो है आपको स्प्लिट एसी मिलता है, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको जो है एनर्जी सेविंग भी मिलती है 5 स्टार के, साथ ही आपको कैपेसिटी जो है वो D10 की मिलती है, तो आप जो है इसको भी ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। ये अमेज़ोन के खुद की एक बेसिक कंपनी है, ब्रांड है, तो आपको इसको भी जो है ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इफ़ेक्टिव कूलिंग फॉर हॉट इंडियन समर, टर्बो मोड में जैसे आप जो है काफ़ी जल्दी जो है ये आपकी रूम जो है ठंडा कर देगा। साथ ही हाई एयर फ्लो, एंटी डस्ट और बैक्टीरिया फिल्टर तो है, ये आपके लिए भी काफ़ी अच्छा है। स्मॉल रूम को या मीडियम रूम को काफ़ी जल्दी जो है ठंडा करेगा और ठंडा करके रहेगा। तो ये थे 5 AC जो कि आप इस गर्मी में बाय कर सकते हैं। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। गिवअवे की बात करूँ तो गिवअवे बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको कौन सा जो है लगा, और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी
कोई वीडियो डालूं तो आप तक उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस गिवअवे को जो है मैं 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को जो है रिज़ल्ट अनाउंस करूंगा अपने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पेज पे, तो आप उनको भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। मैं तीनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हमारा एक और गिवअवे चल रहा है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ।